नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। रामपुर से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी आजम खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ के अली वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। आजम खान ने कहा कि इन लोगों ने राम को, सीता जी को और देश को धोखा दिया है। जिस तरह से इन्होंने फौजियों का और राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया है, इसके चलते अब इन लोगों की बलि होने की बारी है। आपको बताना चाहेंगे कि आजम खान ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देखिए, बजरंग बली और अली दोनों मिलकर करेंगे भाजपा की बलि, और ये तय भी हो गया है कि इन्हें तो जाना ही होगा। आजम खान ने अपने दिए गए बयान में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये तय कर दिया है कि जिन दस्तावेजों के बारे में हम ये कहते थे कि लीक नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें लेकर सिक्योरिटी कारणों से जो चीज़ अखबार में छप गई, जो सब लोगों में लीक हो गई, उसमें क्या चीज सीक्रेट है, इसलिए हर चीज पर पेपर सुप्रीम कोर्ट को देना होगा, जो कि भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है। आपको जानकारी इस बात की भी दे दें कि इससे पहले आजम खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा था। तहसील बिलासपुर क्षेत्र में हुई जनसभा में बोलते हुए आजम खान ने मुख्यमंत्री को 302 का मुजरिम तक बता डाला। आजम खान ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के बच्चों की पानी की टंकी का कनेक्शन काट दिया गया। योगी जी, तुमने अपने धर्म को शर्मिंदा और कलंकित कर दिया। उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठा शख्स 302 का मुजरिम है और योगी सरकार इसमें सबसे बड़े दावेदार भी है। आजम खान ने अपने दिए गए बयान को जारी रखते हुए योगी आदित्यनाथ पर कांस्टेबल की हत्या और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर 302 का मुकदमा वापस ले लिया गया, ये वाला इंजाम भी लगाया। और तो और, आजम खान ने ये आरोप भी लगाया कि मुझे मारने के लिए बहुत बार साजिशें रची गई हैं, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिल पाई है। आजम खान ने बताया कि दुनिया में कौन इंसान नीच और दरिंदा होगा जो बच्चों का कान पकड़ कर उठा लेगा। यहाँ तक कि दरिंदे भी हमें बद्दुआ देते हैं, तुम्हारे घरों में अपाहिज पैदा हो, कुदरत तुम्हारे इस अजीम गुनाह को अजीम सजा दे। ये पूरा मामला इन दिनों गरमाया था जब से योगी सरकार ने कहा था कि जिस तरह से मायावती ने मुस्लिमों के लिए वोट मांगे हैं और मुस्लिमों से कहा है कि सिर्फ गठबंधन के लिए वोट करें और अपना वोट बटने ना दें, इसी के चलते अब हिंदुओं के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की जनसभा में ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अली में विश्वास है तो हमारे पास बजरंग बली है और हमारा उन्हीं में विश्वास है। जी हाँ, ये हैरान करने वाली बात है कि जो पार्टी चुनाव के आने पर धर्मों को बीच में लाकर चुनाव जीतना चाहे तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि मायावती अपनी रैली में सिर्फ मुस्लिम वोटरों का वोट ही चाहती हैं। ऐसे में दर्शक इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।